अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। हियर इज योर बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। आई हैव यू ओपन पेज नंबर 67 एंड स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 6A ट्रेसपास। एंड ट्रेसपास इज अ पोएम। एंड आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द पोएट ऑफ द पोएम। अबाउट द पोएट, John Clare 1793 to 1864 was his time of period, was the son of a farm worker. He lived in the countryside and wrote many poems that are based on close observation of the simple natural world around him. Mean उन्होंने ऐसी poems लिखी जो कि natural world से related थी। उन्हें जो खूबसूरती थी कुदरत की वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती थी। और उनकी पोइम्स का जो मेन टॉपिक था या उनका जो पोइम्स की जो मेन थीम थी वो नेचुरल ब्यूटी थी। क्लेयर लिव्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मैसिव चेंज दैट वाज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज यूज ऑफ इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। सिटीज वर ग्रोइंग फास्ट एंड लाइफ इन द कंट्री साइड वॉज चेंजिंग बिकॉज लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड that had been open to everyone were being closed off to the public. उनका टाइम ऑफ पीरियड ऐसा था कि जिसमें शहरों में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी और जो कंट्री साइड है देहात वाली जगह है वहाँ पर जो एरियाज लोगों के लिए या पब्लिक के लिए ओपन होते थे उन्हें क्लोज किया जा रहा था। इन दिस पोएम ही एडमायर्स द ब्यूटिफुल कंट्री साइड। इस पोएम में भी वो खूबसूरत जो देहात का मंजर है जो कंट्री साइड है उसको उसकी तारीफ़ करते नज़र आते हैं। बट ही फील्स वेरी अनईजी अबाउट क्रॉसिंग लैंड डैट इज़ नॉट हीज़। लेकिन वो बहुत अनईजी भी महसूस करते हैं उस जगह से गुजरते हुए जो कि उनकी नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन पेज नंबर 67। हमारा जो टॉपिक है वो है जी ट्रेसपास। एंड ट्रेसपास का मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दूँ। ये ट्रेसपास का मतलब होता है कि एन अनलॉफुल एक्ट कमिटेड ऑन द पर्सन प्रॉपर्टी आर राइट ऑफ अनदर। उर्दू में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे बेजा मदाहलत या ज़बरदस्ती या किसी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे की जगह में घुसना। तो हमारे पास जो पोएम है इसमें पोइट ट्रेस पासिंग कर रहे होते हैं तो हम इसको इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ समवन ट्रेस पासिस दे गो आउट टू समवन एल्स लैंड विदाउट देयर परमिशन। कि आप किसी की इजाज़त के बगैर किसी दूसरे की ज़मीन में दाखिल हों या वहाँ पर चलें तो उसको हम ट्रेस पासिंग कहेंगे। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं इनको हम रीड आउट करेंगे। वर्ड्स चुनाव, केशियस, केशियस मीन बीन केयरफुल इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स और डेंजर्स। ड्रियर्ड इट फियर्ड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर। गेंड मीन अराइव्ड एट अ डेस्टिनेशन और ऑब्टेंड। नॉट मीन नथिंग। स्वैत मीन अ लॉन्ग नैरो स्पेस कट थ्रू ग्रॉस और कॉर्न। ट्रेड मीन अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। ट्रेसपास एंटर समवनस लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन। Ventured mean undertook a risky or daring journey. Very mean feeling or being cautious. Okay students, let's start our topic. I dreaded walking where there was no path. Dreaded होता है कि fear होना, afraid होना. And pressed with cautious tread, the meadows sweat. Press होता है कि चलना या पैर जोर से दबाते हुए चलना। विद केशियस, केशियस होता है कि बीन केयरफुल तरीके से जाना कहीं पे भी। ट्रेड मीन मैनर ऑफ वॉकिंग जो उनके चलने का तरीका था। द मीडो, मीडो मीन ग्रासी एरिया या लैंड। एंड स्वैत मीन अलॉन्ग नैरो स्पेस कट थ्रू ग्रास। एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विद वेरी आई। एंड ऑलवेज मतलब कि पोएट हमें ये बता रहे हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, जिसका वो ऑनर नहीं है, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होके बहुत ही केयरफुल तरीके से वो वहाँ पे जा रहा है उस रास्ते पे। और उसको इस चीज़ की फियर भी है मतलब कि लोग उसे देख रहे हैं, सॉरी वो उस चीज़ को उसे इस चीज़ की फिक्र भी है कि कहीं। एंड ऑलवेज फियर द ओनर कमिंग बाय कि वो जिस शख्स की ज़मीन पे चल रहा है ये ना हो कि वो कहीं से आ जाए या नमोदार हो जाए तो देन उसके साथ क्या होगा। अच्छा जी, इन लाइन को हम इस सब एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। द पोएट कंटिन्यूज टू वॉक विद केयरफुल स्टेप्स वेयर देयर इज़ नो पाथ। ही ट्रेड मीन मैनर ऑफ वॉकिंग। द मीडो स्वेट एंड ऑलवेज turns to look with cautious eyes and fears that the owner of the land
दिस इज़ सो बिकॉज ही हैज़ एंटर्ड समवन्स लैंड विदाउट एक्सप्लिक परमिशन. वो इसलिए वरीड है वहाँ पे चलने से क्योंकि उसने उस ऑनर की परमिशन लिए बगैर उसके ज़मीन में दखल अंदाजी की होती है. येट एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन अपीयर सो ब्यूटीफुल आई वेंचर्ड ऑन. अब वो कह रहे हैं कि इन लाइन्स में वो एक्सप्लेन करता है नेचुरल ब्यूटी को कि उसके इर्द गिर्द की वो तमाम चीज़ें हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो एक रिस्क ले लेता है अपने जर्नी को कंटिन्यू रखने का. एंड व्हेन आई गेन मीन अराइव एट अ डेस्टिनेशन द रोड वेयर ऑल आर फ्री. वो कहते हैं कि जब मैं रोड पर पहुँच आया हूँ जहाँ पर तमाम लोग फ्री हैं किसी को किसी की फिक्र नहीं है. आई फैंसीड आई एम ए स्ट्रेंजर फ्रॉन्ट एट मी. तो मुझे ऐसे महसूस हुआ मैंने ऐसे फील किया कि जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं वहाँ पर मौजूद लोग हैं वो मुझे डिसलाइकिंग फीलिंग के साथ देख रहे हैं. एंड एवरी काइंड लुक अपीयर टू से और जो कोई नरम या मेहरबान देखने का जिनका अंदाज़ है वो मुझे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं यू बीन ऑन ट्रेस पास इन योर वॉक टूडे कि आज की वॉक में तुमने ट्रेस पासिंग की है मीन तुमने किसी दूसरे की ज़मीन में दखल अंदाजी की है. आई एव ऑफन थाट द डे अपीयर सो फाइन. वो कहते हैं कि मैं अक्सर अवकात इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि वो जो मेरा डे था वो बहुत ही फाइन था उमदा था. हाउ ब्यूटीफुल इफ सच अ प्लेस वर माइंड. कितना अच्छा ख्याल है जो मेरे माइंड में आया कि काश ऐसी एक ज़मीन मेरी भी होती. बट हैविंग नॉट आई नेवर फील एलॉन. वो कहते हैं लेकिन अगर नहीं है तो आई एम नॉट फीलिंग एलॉन. मैं इसके लिए उदास नहीं हूँ या एलॉन फील नहीं कर रहा. एंड कैन नॉट यूज़ अनदर्स एज माई ओन. और मैं किसी दूसरे की प्लेस को अपनी के तौर पे यूज़ भी नहीं कर सकता. इसको हम इस समय एक्सप्लेन कर सकते हैं जी. इवन देन ही फाइंड्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल अराउंड हिज वेंचर्ड पाथ कि वो जिस जगह पे गया उसका जो डेयरिंग जर्नी था उसके उस डेयरिंग जर्नी में उसे हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी इसलिए उसने अपना वो जर्नी कंटिन्यू रखा. ही एडमायर्स द ब्यूटीफुल कंट्री साइड बट हीज फीलिंग अबाउट क्रॉसिंग द लैंड डैट इज़ नॉट हीज मेक हिम वेरी अनइजी. ही विशेज फॉर दिस लैंड बट देन सेज ही हैज़ नथिंग एंड सो नेवर फील्स एलोन एंड सो ही कैन नॉट यूज अनदर्स प्लेस एज हिज ओन. ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया. मीन कि वो ऐसी जगह पे जा रहा है जो उसकी नहीं है लेकिन वो वहाँ पे क्यों चला जाता है. वहाँ पे जो कंट्री साइड है उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको बहुत ज़्यादा स्पाइल करती है तो वो डेयरिंग एक्सेप्ट लेता है कि वो अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू रखता है और इस लैंड की विशेस करता है. लेकिन वो कहता है कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं जो कुछ है मेरे पास मैं उसी पर भी हैप्पी हूँ. इस पोएम का मैं आपको मैसेज भी बता देती हूँ जी. द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट वी कैन गेट द थिंग्स इफ़ वी आर पोलाइट इन आर बिहेवियर. वी शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स. ओके स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक. ओके स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग वी विल कंप्लीट और सॉल्व द पार्ट दैट इज इंक्लूडेड इन आर सिलेबस फ्रॉम यूनिट 6A ट्रेस पास. Students, the part that is included in our syllabus is RTC and exercise A part 4. Answer the following questions with reference to context. इसको आज हम complete करेंगे. And when I gained the road where all are free. ये हमारे पास line है जिससे related हमने questions के answers देने हैं. Where had the worker been before he reached the road? कि जब वो road पे पहुँचा उससे पहले वो कहाँ था. Answer है जी walking on private land a meadow. वो एक मीडो पे चल रहा था जो कि एक प्राइवेट लैंड है जो कि उसकी नहीं थी. व्हाट हैपन्स ऑन द रोड एंड व्हाट डज द वर्कर थिंक. उसके साथ क्या हुआ जब वो रोड पे था और उसने क्या सोचा. ही पासिस स्ट्रेंजर्स एंड थिंग्स डैट दे नाउ ही हैज़ बीन ट्रेसपासिंग. वो स्ट्रेंजर्स के पास से गुजर रहा है और उसने अपने माइंड में ये इमेजिन किया कि इन लोगों को पता है कि आज मैंने ट्रेसपासिंग की है मीन मैंने किसी की परमिशन के बगैर उसकी लैंड में दखल अंदाजी की है. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई माइट अ वर्कर वांट टू लीव द रोड टू वर्क एल्सवेयर. उसने रोड को छोड़ के दूसरे की जगह पे क्यों जाना पसंद किया. ही माइट लाइक टू एंजॉय द सॉलिटरी वॉक. ही माइट आल्सो लाइक टू एंजॉय द सीनरी ऑफ द सराउंडिंग एरिया. कि वो अकेले वॉक भी करना चाहता था और मे बी वो वहाँ की जो खूबसूरती थी उसने उससे बहुत ज़्यादा मुतासर किया तो इसलिए वो उस एरिया में चला गया. सुनिए जी हमारा आज का टॉपिक था. इसमें हमने रीडिंग को कंप्लीट किया और यूनिट 6A के जो आरटीसी है उसे कंप्लीट किया. आप लोगों ने अपने नोट्स से इस टॉपिक को तैयार कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.